नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज की आप लोग इस क्लास में हम लोग RRC ग्रुप डी 2020 के लिए आज हम आप सभी लोगों के लिए अपने प्यारे साथियों के लिए 22 अक्टूबर 2018 का पेपर लेकर आए हैं। ये पेपर आपका शिफ्ट 2 का है, पिछले साल का पूरा पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपने इस क्लास को। आज हम लोग जानेंगे कि इस एग्ज़ाम पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो आप लोग मुझे बताइए कि पाँचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है, प्लेटिनम, कैल्शियम, गोल्ड या फिर आएगा रूबिडियम। देखिए मोजले की जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है इसमें 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग हैं। तो इसमें किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धातुई जो गुण होता है ये कम होता जाता है। अतः पाँचवें आवर्त का पहला तत्व रूबिडियम यह बहुत ही अति धात्विक तत्व होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूबिडियम। ठीक है, इसको RB से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है दोस्तों इसका क्रमांक और ये है इसका भार 85.5। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूबिडियम। तो पाँचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है, रूबिडियम है। कम से कम 2 से 3 बार आप लोग लिखेंगे कमेंट में पाँचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है, रूबिडियम है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कथन और निष्कर्ष का। देखिए बच्चा कथन और निष्कर्ष कैसे लगाते हैं, पहले देखिए पढ़िए क्या दे रखा है। कोई धातु लाल नहीं है, कोई नहीं यानी कि ई हो गया, कुछ लाल आई। देखिए दोस्तों कुछ लाल खतरे हैं, ई आई का दोस्तों कोई भी रिलेशन आपका नहीं बनता है। ऐसे में दोस्तों क्या होगा, कुछ खतरे धातु हैं, खतरे धातु का कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, और आपका कुछ लाल धातु है, लाल धातु इनमें भी कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, तो पहला भी गलत होगा दूसरा भी गलत होगा। अगर मैं आपको बताऊँ बैन डायग्राम से, आइए मैं आज आपको बैन डायग्राम से भी क्वेश्चन बताता हूँ। कोई धातु लाल नहीं है, तो दोस्तों लाल आपका अलग हो जाएगा, धातु आपकी अलग हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी धातु, तो कोई धातु जो है वो आपकी लाल नहीं है, ये आपका लाल हो गया। कुछ लाल खतरे हैं, अब दोस्तों इसमें आपका खतरा आ गया, कुछ लाल जो है खतरे हैं, तो दोस्तों ये जो है कुछ लाल आपके खतरे हैं। अब पहला देखिए निष्कर्ष, कुछ खतरे धातु हैं, खतरे और धातु में कोई भी कनेक्शन है नहीं है, और कुछ लाल धातु लाल और धातु में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब पहला भी गलत दूसरा भी गलत आपका आंसर हो जाएगा कि सर ना तो पहला सही है मेरा ना ही दूसरा है। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को, जो मैंने आपको समझा है। तो मैंने आज इस क्वेश्चन को बैन डायग्राम से बताया और आपको EI मेथड से भी बताया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए इसको बताइए। आपको दे रखा है 9.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 रुपये था, निवेश की गई राशि क्या होगी। ये आपको दे रखी है ब्याज की दर 9.5%, समय दे रखा है 6 साल, ब्याज दे रखा है 456, आपको निकालना है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा SI बराबर होता है PRT/100। ओके, तो आपको SI मालूम है, R मालूम है, T मालूम है, P निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो ब्याज आपको दे रखा है 456 बराबर P हमें निकालना है, R दे रखा है 9.5%, समय दे रखा है आपको 6/100। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 19 5 95, 19 2 38, 39 40 41 42 44 45 7, 19 4 76, 24 आ जाएगा यहाँ से, 6 4 24। ओके, यहाँ पर 4 बचा दोस्तों यहाँ से, और इसको दोस्तों काटेंगे, 5 2 10 200, 200 4 800। तो P का मान मेरा आ जाएगा 800 रुपये। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से 800 आ रहा बिल्कुल राइट है। निवेश की गई राशि कितनी है, यह आपकी 800 रुपये है। यानी कि दोस्तों मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा, 800 आएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर ये क्लास आपको इम्पॉर्टेंट लगती है और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं भी आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड करा सकूँ, आपके लिए कुछ स्पेशल कर सकूँ, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा सकूँ, आपको प्रैक्टिस आपका रिविज़न करा सकूँ, क्योंकि देखिए क्लास कराना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर DRDO के लिए, रेलवे के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए
और मैं आपको बता दूँ UPSI, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए कराना है, तो मैं इन सभी की अलग अलग क्लास आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता वन डे में। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपके लिए केवल एक प्रैक्टिस सेट ऐसा दूँ जिसमें सब कुछ आता हो। तो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर शुरू किए। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर होता है तो मैं आपको प्रीवियस पेपर कराता हूँ, अगर मेरे पास जो है प्रैक्टिस पेपर होता है तो मैं उसको सॉल्व कराता हूँ, कोई भी पेपर नहीं होता तो मैं पेपर आपके लिए अरेंज करता हूँ, खुद से मैनेज करता हूँ, टेस्ट पेपर आपका बनाता हूँ, फिर मैं आपको कराता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन होता रहे। और जो आपका लास्ट टारगेट होता है पेपर को सॉल्व करना, कैसे पेपर को कम से कम टाइम में सॉल्व करें समझ कर, वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जहाँ भी क्लास कर रहे हैं करते रहिए, मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरे पास पढ़िए, देखिए पढ़ना जो है आपको हर जगह चाहिए, तो जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हैं अपनी स्टडी को बेटर कीजिए, पढ़िए जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट को समझिए, लेकिन सब जगह से पढ़ने के बाद जो मैं आपको प्रैक्टिस पेपर या टेस्ट पेपर जो प्रोवाइड करा रहा हूँ इसको ज़रूर अटेम्प्ट किया कीजिए। कहीं ना कहीं दोस्तों उन सब का जो पढ़ा हुआ है आपने, जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाने पर आपके ऊपर मेहनत की है, तो जितना भी उनने पढ़ाया है आप सभी को, अगर आप हमारे पास आएंगे तो वो चीज़ आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और कैसे पेपर को सॉल्व करना ये चीज़ आप लोग सीख जाएंगे। तो बस यही है आप लोगों के लिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर कीजिए, सपोर्ट करिए, ताकि इस क्लास में सभी लोग ज्वाइन कर पाएँ। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे, इसको देखिए PV+CuCl2 रिएक्शन कराई हमने, आप बनता है PVCl2+Cu। तो ये जो है किस अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, देखिए ये जो समीकरण है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, मैं आपको बता दूँ इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिप्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ए वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं, और इस अभिक्रिया में धातु और अधातु दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से रिप्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए प्यारे दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए दोस्तों किसने जो है कश्मीर रेंज के नए IGP के रूप में कार्यभार संभाला है। देखिए मैं रेलवे का पेपर करा रहा हूँ आपको, ठीक है, और आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन ग्रुप डी में आते हैं और इन्हीं टॉपिक पर फोकस करना है। तो किसकी नियुक्ति हुई है ये आपको पढ़ लेना है स्वयं से। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वयं प्रकाश पानी। ठीक है, तो स्वयं प्रकाश पानी ने 2018 में कश्मीर रेंज की पुलिस महानिरीक्षक यानी कि IGP के रूप में कार्यभार संभाला, और ये जो थे आपके साल 2000 के भारतीय पुलिस सेवा IPS बैच के अधिकारी स्वयं प्रकाश पानी इस पद को संभालने वाले सबसे युवा अधिकारी हैं। और 41 वर्ष के पानी ने कश्मीर के पूर्व IGP मुनीर अहमद खान का स्थान लिया है। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों स्वयं प्रकाश पानी, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। अब मैं ले चलता हूँ आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए भारत में जन्म लेने वाले विकास सथाई ने हाल ही में एक ऑस्कर पुरस्कार जीता, उन्होंने किस श्रेणी में ऑस्कर जीता है? चलिए बताइए, देखिए इसका आंसर हो जाएगा एक अभिनव फिल्म कैमरे की खोज। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे ना गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया है, निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ है? आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के आधार पर वर्गीकृत किया था। किस आधार पर? परमाणु भार। ठीक है, तो जिसमें कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ दिया गया था, हालांकि मेंडलीव ने उनके रासायनिक गुणों इत्यादि की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। बाद में मेंडलीव की आवधिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित करने के समूह 4A और आवर्त चौथे में जर्मेनियम और टाइटेनियम TI के साथ रखा गया है, और इस तत्व के गुण मेंडलीव ने बताए थे जो कथन के समान है। तो आपका दोस्तों यहां से राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम को टाइटेनियम के साथ रखा गया है। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है जर्मेनियम GE, दैट्स अ परफेक्ट, वेरी गुड, क्लियर होगी इतनी बात यहाँ तक। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, पहले पढ़िए क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद आपको दो धारणाएं क्रमांक एक और सेकंड में दी गई हैं, आपका कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना होगा और यह तय करना होगा
कि कथन में कौन सी धारणाएं आपकी निहित हैं। सबसे पहले पढ़िए कथन। मैं इस परीक्षण की विश्वसनीयता की जांच के लिए 500 नमूने चुनना चाहता हूं। एक्स ने वाई को बताया। दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए आपसे क्या कह जा रहा है। एक्स ने वाई को बताया है कि मैं इस परीक्षण की विश्वसनीयता की जांच के लिए 500 नमूने जो है सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मतलब 500 नमूनों की जांच संभव है, दैट्स अ पॉसिबल। जी हाँ बिल्कुल। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, 500 नमूनों की जांच भी संभव है और एक्स के पास जांचने का कौशल भी है, क्षमता है। तभी तो उसने बताया है, तभी तो एक्स ने वाई को बताया है कि विश्वसनीयता की जांच के लिए 500 नमूने चुनना चाहता हूँ। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, फर्स्ट वाला भी राइट होगा, सेकेंड वाला भी राइट होगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि सर दोनों सही हैं, यानी कि आपका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला राइट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। दोस्तों निम्न व्रत आरेख चमड़ा उत्पाद बनाने वाली एक कंपनी ABC के आय को दर्शाता है। कंपनी का कुल राजस्व वर्ष 2015 में आपका था 3628000। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि किस उत्पाद की बिक्री से कंपनी को सबसे ज़्यादा आय हुई है। देखिए सबसे ज़्यादा इनकम किससे हो सकती है। अब 45% आपको बैक दे रखा है, बाकी 15, 5, 20, 10, 5। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों कौन सा उत्पाद बिका होगा, किससे आय ज़्यादा हुई होगी, ये है बैग। तो 45% इससे जो है मिला है, तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बैग। समझ गए आप लोग, कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए बहुत सिंपल है, ग्रुप डी का जो पेपर है बहुत हार्ड नहीं आएगा। अगर ग्रुप डी में आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपनी करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग इन पर ज़्यादा फोकस करना है। और जो भी मैं प्रीवियस पेपर करा रहा हूँ इनको देखते रहिए, इस आधार पर आपको समझ में आ जाएगा, एक आइडिया मिलता रहेगा रोज़ हर रोज़ कि आपको अभी क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक अभी आपके बचे हुए हैं। मैं डेली बेस पे आपको पेपर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो हम लोग डेली ग्रुप डी और NTPC के पेपर को सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से मुझे आप लोग का रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है और आज का लाइक टारगेट रखते दोस्तों यहाँ से 500 से लेकर 1000 लाइक का, ठीक है ना। यकीन दोस्तों मुझे यकीन है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो सभी लोग जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इस टारगेट को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए क्लास ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहूँगा। सहसंयोजित वॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि। देखिए 11th क्वेश्चन की मैं बात करूँ, आइए मैं आपको बताता हूँ। सहसंयोजित यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल के कारण कम होते हैं। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर होगा इंटरमोल्यूलर बल कमज़ोर होते हैं, दैट्स अ परफेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर होती है तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया आपको जी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे 13 क्वेश्चन में आपका क्या अप्लाई होने वाला है। W बराबर होता है MGH, क्या होता है W बराबर आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ से आपका होता है MGH। M दे रखा है 11 किलोग्राम तो लिखेंगे 11, G का मान रखा 9.8 और ऊंचाई आपको दे रखी है 7 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 77 × 9.8, 7 8 56, 6 वाला आ जाएगा, लास्ट में 6 की जगह दे रखा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ से 754.6 जूल, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है डी बिल्कुल होगा राइट, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 754.6 जूल, ठीक है। चलिए जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, घट जाता है, समान रहता है, बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं कैसे आपको लगाना है तो वही मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए 15 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा यहां से, देखिए आपका जो जी होता है, जी हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका 1/r के, ठीक है। तो जी विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने से त्रिज्या जो है आर का मान कम हो जाता है, जिससे जी का मान बढ़ जाएगा और भार डब्लू बराबर MgV बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर त्रिज्या आपकी जो है दोस्तों यहाँ से कम होती है
तो वो बढ़ेगा जी आपका। तो सीधी सी बात है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट होगा। सापेक्ष घनत्व जो है किसके बराबर होता है, मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे कि सापेक्ष घनत्व आपका जो है किसके बराबर होता है। देखिए सापेक्ष घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो आपका सही जवाब होगा पदार्थ का घनत्व, ठीक है, और पानी का घनत्व, यानी कि सी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, निम्नलिखित समीकरण का मूल्यांकन करिए। चलिए दोस्तों सभी लोग बताएंगे, हर एक स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। चलिए जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं आज, वो सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। आप लोग यहाँ पर बोर्ड मास अप्लाई करिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट में हमें ये दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पहले डिवाइड करेंगे हम लोग ऐसे, 4 × 12 = 3 × 9, इसको सॉल्व करने मेरा 9 आ गया, इधर 2 × 4 माइनस का, इधर 20 प्लस का, 20 × 9 = 29, में से 4 गया 25। तो इस पूरे को जब मैंने बच्चा सॉल्व किया तो मेरा 25 आ गया। अब बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 25 × 50 इधर 36 माइनस प्लस का 12, ठीक है। तो 36 × 12 = 6 × 2 = 8 × 3 = 48 माइनस 50, तो 48 में से 50 जाएगा ना, तो आपका माइनस का 2 बचेगा। तो किस किस का आज माइनस का 2 आ रहा है, वेरी गुड क्लास, बाकी लोग ध्यान देंगे, मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 2 होगा, ठीक है। चलिए अब आपको S का अर्धमान ज्ञात करना है, इसका S का आधा निकालना है। तो S का आधा निकालने से पहले आपको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो इसमें भी बोर्ड मास फॉलो करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करिए, 16 में से 4 क्या बचेगा 12, डिवाइड बाई 2 × 4 = 2 = 6 × 6 = 12। तो इसको सॉल्व किया मेरे यहाँ पर 2 आ जाएगा, 6 + 2 - 2 = 2 कट जाएगा, S बराबर मेरा 6 आ जाएगा। तो S का मेरा अर्धमान कितना होगा, S की जो हाफ वैल्यू होगी ये मेरे कितने हो जाएंगे यहाँ से, 6/2, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को। तो मेरे प्यारे दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से 3 आ रहा है, बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है, मंडी, चंबा, सोलन या फिर आपका हो जाएगा धर्मशाला। तो देखिए मैं आपको बता दूं, वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है आपकी धर्मशाला, कांगड़ा जिला को बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद शिमला नगर पूर्वी पंजाब राज्य की राजधानी बन गया, और बाद में हिमाचल प्रदेश के गठन से इसे जो है राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल शिमला को अक्सर पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका एक आंसर हो जाएगा यहाँ से धर्मशाला, क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 20 लगाइए। देखिए मैं आपको बहुत ही डीपली बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों से सपोर्ट से ही दोस्तों आज आपका परिवार इतना बड़ा हो पाया है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा, ताकि हम लोग जो है दोस्तों जल्द से जल्द जो है यहाँ पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिएगा। 2 पाइप आपके एक्स और वाई क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में एक गैस टंकी को भर सकते हैं, और एक आपका आउटलेट जेड भी है। यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ उपयोग करा जाता है तो हमारी टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो पूर्ण टंकी खाली करने के लिए जेड द्वारा कितना समय लिया जाएगा, आइए आपको बताते हैं। तो 60 मिनट लेता है एक्स, 75 मिनट लेता है वाई, और तीनों एक साथ चलते हैं तो लगता है 50। तो जेड की क्षमता कितनी होगी ये निकाल लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा बच्चा 300 आ जाएगा। 300 मतलब हो जाएगा 60 × 5 = 300, 75 × 4 = 300, और 5 × 36 तो 50 × 6 = 300, 5 × 4 = 9 होगा, और जे है तीनों, देखिए ये एक्स है, ये वाई है, और ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान रखा है 6। तो 5 × 4 = 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा, मतलब जेड की मेरी क्षमता है 3। तो जेड को खाली करने में समय लगेगा 100 मिनट का। तो मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर आ जाएगा 100 मिनट, ठीक है। 60, 75, 50 आपको दे रखा है, यह है x का मान, यह है y का मान, और यह है आपका x, y और z तीनों का मान दे रखा है। तो मेरा LCM 300 आ गया था, 6 × 5 = 30, 75 × 4 = 300, 50 × 6 = 300। तो दोस्तों ये 5 और 4 हमारा 9 आ जाएगा, और तीनों का मान दे रखा है 6, मतलब z का मान माइनस का 3 होगा, ठीक है ना। लेकिन 9 में से 3 घटाएंगे तभी तो आपका 6 मिलेगा, 9 में से 3 घटाएंगे तभी तो आपका 6 मिलेगा। तो आपका जेड का मान 3 हो गया, तो 3 से मैंने काम को डिवाइड कर मेरा 100 बचेगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए
अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 2017 में फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक भारत द्वारा प्राप्त की गई सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग क्या है? तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं, यहाँ से 21 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा 96th, ठीक है। और मैं आपको इस बार की बता दूँ, ये बात है आपकी 4 अप्रैल 2019 की। देखिए मैं करंट का बता रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिए, 4 अप्रैल 2019 को फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम ने जो रैंकिंग है वो है 10वीं है। तो फुटबॉल टीम की जो रैंकिंग है वो दोस्तों कौन सी है आपकी, 10वीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आज आपको बता दिया है। अच्छा दोस्तों, अब आपको बताना है कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है आपका Na2SO4, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बच्चा, आपका आंसर क्या होगा, Na2SO4। सोडियम सल्फेट एक आपका अकार्बनिक यौगिक है और इसका प्रयोग मुख्यतः डिटर्जेंट व पेपर पल्पिंग में, ठीक है ना, पल्पिंग में होता है। और डिटर्जेंट है, पल्पिंग है, इसमें जो यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर होगी इतनी बात, चलिए। अच्छा इसको पढ़िए दोस्तों, निम्नलिखित बार ग्राफ ABC संस्था द्वारा पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के परिणामों के बारे में जानकारी दर्शाता है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, ये 12, 13, 14, 15, 16। तो सबसे कम रैंक प्राप्त किए किस साल, सबसे कम रैंक हुई है दोस्तों यहाँ से 14 में, ये 2014 लिखा हो, साफ साफ नहीं दिख रहा ना। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका आंसर हो जाएगा 2014 हो जाएगा, ये आपका 2014 लिखा हुआ है। चलिए अब आपके सामने है दोस्तों ये कुछ इमोजी फेस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सबसे अलग क्या होगा। देखिए ये आपका सीधा है, ये आपका सीधा है, ये आपका सीधा है, लेकिन ये वाला जो फेस दे रखा है ये उल्टा है दोस्तों, ठीक है ना। इमोजी तो आप लोगों को पता है दोस्तों, सब में आपका ये बना हुआ है, लेकिन इसने दोस्तों क्या करा, इसमें इस फिगर को उल्टा बना दिया, ठीक है। तो आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा डी वाला। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था, यू नो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? आइए मैं आपको बता दूँ पाल वंश के बारे में, सुनिएगा और नोट करिएगा जो आपको नहीं मालूम हो। देखिए पाल वंश के संस्थापक व प्रथम राजा गोपाल 750 ईस्वी में हुए थे और इस वंश की राजधानी थी मुंगेर। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है, इसके राजा थे पहले गोपाल और राजधानी थी मुंगेर, ठीक है, ये थी राजधानी मुंगेर। और राजा गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी थे, ये थे दोस्तों आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। और इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, मैं ये आपको बता दूं, इन्होंने जो है यहाँ पर ओदंतपुरी, तो इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख राजा धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नायपाल थे। और पाल वंश का सबसे महान शासक था आपका धर्मपाल। तो सबसे जो महान शासक था उसका नाम था आपका धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। तो गोपाल ने की थी यहाँ पर ओदंतपुरी की, और धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। दोनों बातें नोट कर लीजिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी, चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताइए। इनका नाम है शांता रंगस्वामी, ठीक है। तो जिनका भी मेरे प्यारे दोस्तों आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल आपका राइट होगा। अब इसको लगाइए आप सभी लोग, दोस्तों आपको दे रखा है, यदि पी का मतलब है मल्टीप्लाई, आर का मतलब है प्लस, टी का मतलब है डिवाइड और एस का मतलब माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आइए लगाते हैं। हम लोग लिखेंगे दोस्तों यहाँ से 35, ठीक है ना, डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 6, माइनस का 4 मेरे बच्चा, और यहाँ लिखेंगे 3। सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 5 7 35 आपका 7 आ जाएगा, 7 6 42 42 आ जाएगा बच्चा, 4 से 3 गया 1 बचेगा, और 42 में से 1 गया बच्चा कितना आ जाएगा आपका, 41 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका यहाँ से राइट आंसर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी का? देखिए इस समय जो है यूट्यूब में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैं लाइव क्लास नहीं करा पा रहा हूँ, रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे रिकॉर्ड क्लास को भी। बाकी जैसी प्रॉब्लम दूर होगी मैं लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। चलिए बच्चा बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे, हमारा 20th क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री ह्वेन सॉन्ग ने 3 ठहर कर संस्कृत सीखा था, ताम्रलिप्ति, नालंदा में, पाटलिपुत्र या फिर होगा बोधगया में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो चीनी ह्वेन सॉन्ग थे आपके, ठीक है ना,
तो इन्होंने जो है किस कहाँ पर 3 वर्ष ठहर कर रुक कर संस्कृत सीखी, तो हेन सॉन्ग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 साल की यात्रा के बाद सबसे पहले वह भारतीय राज्य कपिशा पहुँचे। ये बात आपको मालूम थी, जब वे पहली बार आए थे तो सबसे पहले वह भारतीय राज्य कपिशा पहुँचे थे। कहाँ पर पहुँचे थे? कपिशा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और हेन सॉन्ग ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत सीखा और इसका भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। तो इनके जो भ्रमण का जो वृत्तांत है, इनकी एक बुक है सी यू की ग्रंथ है, इसमें जो है प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा ताम्रलिप्त। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या बोलते हैं? राइजोइड, थैलस, सेटा या फिर कैप्सूल? आइए मैं आपको बताता हूँ ब्रायोफाइटस पौधों के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों बच्चा, ब्रायोफाइटस पौधों को पादप जगत का उभयचर पौधा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आपका मॉस, हॉर्नवॉस्ट और आपके लीवरवॉर्ट्स आते हैं। ब्रायोफाइट का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है और ब्रायोफाइट की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को राइजोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ से? राइजोइड। तो जिनका भी आंसर यहाँ से ए आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, परफेक्ट होगा। ओके, चलिए मेरे प्यारे साथियों अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 1 न्यूटन। देखिए न्यूटन की मैं बात करूँ, एफ बराबर होता है आपका एम इंटू ए और इसको बोल देते हैं न्यूटन। एम का मतलब होता है किलोग्राम और ए का मतलब होता है आपका त्वरण, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर सेकेंड, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 लग जाएगा, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2। तो दोस्तों आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया आपको, एम एल टी माइनस 2। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको बताना है जुलाई 2018 तक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग 4 से 5 बार बताए करेंगे। देखिए अगर आप हमारे पास प्रैक्टिस करने आ रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि आपको याद भी कराऊँ। तो बस आप लोग छोटा सा कार्य कीजिएगा, मैं कुछ भी पूछता हूँ उसको याद करने के लिए कम से कम 5 बार कमेंट किया करिए। तो 5 बार लाइव चैट में लिखा कीजिए, लिख लिख के बताए कीजिए, ठीक है, कि इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला। तो अभी भी आपकी यही है, जुलाई 2018 तक नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये थे आप लोग के यहाँ पर हैं डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए दोस्तों, किस क्रिकेट टीम ने 2017 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा विदर्भ। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अब इसको देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2 बिंदु के बीच दूरी को जाते हुए 72 की स्पीड से गति से तय किया जाता है और लौटते समय 54 की स्पीड से वापस आया जाता है। यदि कुल 7 घंटे की दूरी तय करने में समय लगता है तो दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी कितनी होगी? अब मैं आपको बताता हूँ, आपका एक पॉइंट है ए और आपका एक पॉइंट है बी, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक भागते हो जाते हैं 72 की स्पीड से और दौड़कर वापस आते हैं दोस्तों यहाँ से वापस 54 की स्पीड से किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक है 72 किलोमीटर प्रति घंटा से और इस जगह से यहाँ तक वापस आने लिया आपने 54 किलोमीटर प्रति घंटा वापस लिया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने और वापस आने में आपको टोटल 7 घंटे का समय लगता है, आपको दूरी बतानी है। देखिए मेरा औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, औसत चाल बराबर होता है आपका 2x/x+y। ये x होती है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जाने में समय जो आपकी स्पीड है और यहाँ से यहाँ तक वापस आने की स्पीड है। तो ये आपकी x, ये आपकी y, ये 72 है और ये आपकी 54 है। तो दोस्तों ये तो हमारी औसत चाल हो जाएगी, समय आपको दे रखा है। अब दूरी निकालेंगे, दूरी दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो औसत चाल हो जाएगी 2x, एक्स आपका दे रखा है 72, वाई दे रखा है 54, अपॉन में आपका हो जाएगा x+y, 4, 2, 6 और 7, 5, 12 126 आ जाएगा, ठीक है। और समय दे रखा है 7 घंटे का, लेकिन ये जो मेरी दूरी आएगी ना, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक वापस आ रहे हैं, ये दोनों तरफ की आ जाएगी, लेकिन आपको निकालना है सिर्फ एक तरफ की, ठीक है ना, सिर्फ एक तरफा निकालना, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। अब काटेंगे दोस्तों, 126 दे रखा है आपको यहाँ से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7, 5, 12, 7, 8, 56, 18, 3, 54, 2 से आपका 2 कट जाएगा, 72, 3, 3, 6, 3, 7, 21,
तो मेरी दूरी आ जाएगी 216 किलोमीटर। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चा, आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 216 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। दोस्तों अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, तो कार द्वारा प्राप्त गति बताइए। देखिए गति का पहला नियम आप लोगों को पता होगा, गति के प्रथम नियम से, गति के प्रथम नियम से हमारा फॉर्मूला होता है v बराबर होता है हमारे यहाँ से यू प्लस ए टी, ये तो आपको पता होगा। b बराबर दोस्तों आपका क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। अब चूंकि अंतिम भाग में शुरू होने वाली कार इतने समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, गति निकाल दी है। देखिए प्रारंभिक वेग मेरा 0 हो गया, त्वरण दे रखा है दोस्तों यहाँ से आपको 1, समय दे रखा है आपको 2, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से आपका ये हो जाएगा, यहाँ से 1 दे रखा है, ठीक है 1 लिख लेंगे, समय 2 मिनट है, 2 × 60 लिखेंगे ताकि सेकंड में आ जाए, 60 × 120, तो मेरा v बराबर आ जाएगा 120 मीटर प्रति सेकंड। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है ए, बिल्कुल आपका सही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी होती है, मीटर पर सेकंड में होती है, तो सेकंड आपको ऊपर जाएगा तो -1 लग जाएगा, तो आपका आंसर बी वाला होगा। चलिए इसको लगाइए, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा आपका, एक्स वाई और जेड 415 रुपये के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। अब 3 लोग हैं, एक खेत इन्होंने ले लिया 415 का, ठीक है। अब जो एक्स है, देखिए 3 लोग आपके हो गए, एक हो गए एक्स भाई साहब, एक वाई भाई साहब और एक जेड भाई साहब। तो जो एक्स है उस खेत में 25 गाय को 6 महीने के लिए, तो ये जो 25 गाय 6 महीने के लिए चराते हैं, अनुपात करके लगाएंगे, रेशियो मेथड, इसमें हम सभी लोग रेशियो मेथड को अप्लाई करेंगे। वाई आपका 40 गाय 8 महीने के लिए, 40 गाय 8 महीने के लिए अनुपात। जेड आपका 30 गाय पूरे साल के लिए, दोस्तों 30 गाय पूरे साल यानी कि 12 महीने के लिए। अब इसको काट लेंगे दोस्तों यहाँ से, कैसे काटना है, 6, देखिए 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, ठीक है। और मेरा यहाँ से कैसे कट जाएगा दोस्तों, ठीक है, और इसको दोस्तों काटेंगे यहाँ से, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, ठीक है ना, नहीं कटेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से इसको लिख लें यहाँ पर दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा, दे रखा मैंने 25 6 लिखा, एक बार मैं थोड़ा सा सही से सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, 25 × 6 40 × 8 और 30 × 12 था, ठीक है। इसको डायरेक्ट मैं काटूँगा यहाँ से, तो यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, तो 6 से कटेगा आपका, देखिए 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 25 × 3 = 75, अभी भी आपका कट सकता है, 5 × 25, 5 × 8 = 40, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 8 × 4 = 32 और मेरे प्यारे दोस्तों 6 × 6 = 36, तो मेरा आंसर आ जाएगा 15:32:36। तो मेरा अनुपात आ गया 15:32:36, ये हो गया एक्स वाई जेड का रेशियो। अब मुझे बाई का हिस्सा बताना है, बाई का हिस्सा मेरा कितना है, 32 है, ठीक है। तो y का हिस्सा मेरा 32 है, टोटल कितने में से 15 + 32 + 36, ये जोड़ देंगे 15 + 32 + 36, टोटल रुपया दे रखा था हमें यहाँ पर 415। इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 32 × 5, 32 × 5 बराबर 160। तो दोस्तों इसमें आपका y का जो हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, निम्न में से किसने जो है मेलबर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। तो देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल जो आपके नकद मूल्य का कितना परसेंट है, यह है आपकी 86%। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी है टैल्क, ठीक है, सबसे नरम हो जाएगा आपका टैल्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, और टैल्क का सूत्र मैं आपको बता दूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है,
डेल्क का सूत्र होता है आपका एम जी थ्री एस आई फोर ओ टेन ओ एच का होल ट्वेच, ये होता है टेल का सूत्र, ठीक है। इसकी हार्डनेस होती है, मोहस हार्डनेस होती है एक होती है, जबकि हीरे की होती है 10। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। एक टैंक दो नलों को ए और बी क्रमशः जो है 12 घंटे और 16 घंटे भर सकता है, और पूरे टैंक को 8 घंटे में तीसरे टैप द्वारा जो है खाली किया जा सकता है। यदि सभी नलों को एक ही समय में चालू किया जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए बच्चा आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, तीन लोग हैं आपके, ये भरने वाला है, ये भी आपका भरने वाला है, और ये वहाँ से खाली करने वाले हैं। ये भरते हैं 16 घंटे में, ये भरते हैं बच्चे आपके, सॉरी पहला जो था आपका 12 दे रखा, 12 ये आपके भरते हैं 12 घंटे में, ये भरते हैं आपके 16 घंटे में, और ये खाली करते हैं 8 घंटे में। 12 16 8 इनका एलसीएम मेरा आ जाएगा 48, 12 चौक 48, 16 3 48, 8 6 48, तो 4 और 3 7, 7 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा आपका 1। तो दोस्तों तीनों एक साथ चलाएंगे तो टंकी भरने में समय लगेगा आपको 48 घंटे का, ठीक है। तो जिनका भी आंसर यहाँ से 48 घंटे आ रहा है बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब इसको देखिए दोस्तों, 1200 600 200 अगला स्टेप क्या आएगा। तो पहले मैंने 1200 को 2 से डिवाइड किया, मेरा 600 आ गया। 600 को दोस्तों मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 6 तो मेरा 200 आ गया। 200 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से 50 आ जाएगा, और इसको मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मेरा 10 आ जाएगा। तो पहले 2 से डिवाइड किया मेरा ये आ गया, 3 से डिवाइड किया तो मेरा ये आ गया, 4 से डिवाइड किया तो मेरा ये 50 आ गया, तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 आएगा। और फिर 5 से देखिए 2 3 4 5 ये क्रम चल रहा है। तो बच्चा मेरे प्यारे दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा, 50 आएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को। देखिए किसी को भी अगर कोई क्लास में प्रॉब्लम है, कोई कमी लगती है तो बिल्कुल बताइए। जब तक आप लोग कमी को बताएंगे नहीं तब तक आप सच्चे फ्रेंड कहलाएंगे कैसे। सच्चा दोस्त वही, ठीक है ना, जो हमें हमारी कमियों को बताए, क्योंकि जो कमी निकलेंगी उस कमी में सुधार किया जाएगा और आगे आपको और भी अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो बस आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए एकदम जो भी इम्पोर्टेंट पेपर के क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। आपका सपोर्ट ही, ठीक है ना, हमको अग्रसर रखेगा, मोटिवेट रखेगा, और हम आपके लिए सब कुछ कर पाएंगे। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। 43 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए दोस्तों झारखंड की राजधानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। झारखंड की राजधानी आपकी है रांची, ठीक है, तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा रांची। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व जो है एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सही जवाब होगा तेलुगु देशम पार्टी। तो दोस्तों अगर आपका आंसर यहाँ से ए आ रहा है तेलुगु देशम पार्टी तो बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको लगाइए। अब आपको एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें एंगल बी आपका 90 है। अब एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको बी दे रखा है 90 और ए का मान आपको दे रखा है 30। तो ये दोस्तों आपका ए हो गया, ये आपका दोस्तों यहाँ से बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। तो बी आपको दे रखा है 90, ये आपको दे रखा है 30, हमें मान निकालना है इसका। देखिए आपको यहाँ पर भी ए ए और ए दे रखा है, ए का मान 30 है ना, तो लिखें दोस्तों 2 sin 30, क्योंकि 30 दुनी 60 हो जाएगा ना, तो 30 दुनी हमारे लिखेंगे साइन 60 लिखेंगे, माइनस का कॉस 2 है, 30 दुनी 60 तो कॉस 60, माइनस का tan 60। अब साइन 60 का वाले तो √3/2, तो 2 √3/2, ठीक है। कॉस 60 का मान होता है आपका 1/2, और इसका मान होता है √3, 2 से 2 कट गया, बचेगा √3 प्लस का या माइनस का, इससे ये कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, केवल माइनस का 1/2 बचेगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ से ए आ रहा है बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, वॉस डिफरेंस ये जो दोस्तों किससे आने वाले ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके, अंडकोश वृषण प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर आपका होगा मूत्राशय। चलिए आपको बताते हैं, मूत्राशय वह हमारा आंतरिक अंग है जो मूत्र विसर्जन के पहले ब्रक्को द्वारा निर्मित मूत्रों को इकट्ठा करता है और वॉश डिफरेंस मूत्राशय से आने वाले ट्यूब के साथ एकजुट रहता है, ठीक है, ताकि उसको जो एक आम मार्ग बन सके।
तो आपका यहाँ से जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका मूत्राशय। चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न में आपको कथन और दो उसके तर्क दे रखे हैं, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क आपका अधिक सशक्त है इसे बताना है। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आज जो LED लैंप आते हैं उन पर बैन लगा देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या लगता है आपको? पहला तर्क है हाँ, उनसे नीले रंग की रोशनी निकलती है जो हमारे पर्यावरण, एटमॉस्फेयर और साथ ही साथ मनुष्य के लिए भी हानिकारक होती है। और दूसरा डिसीजन आपका ये है, नहीं वे सस्ते होते हैं और CFL से बेहतर रोशनी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आपको डिसीजन लेना है कि आपका पहला वाला डिसीजन सही है या दूसरा तर्क आपका सही है। तो आज मैं आपको बता दूं, अगर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में डीपली, तो LED लैंप पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाना चाहिए क्योंकि वे बहुत ही सस्ते होते हैं और CFL से रोशनी जो है बेहतर रोशनी प्रदान करते हैं, जबकि LED से सफ़ेद आती रोशनी। कौन कहता नीली निकलती है? LED से आपकी सफ़ेद रोशनी निकलती है जो हमारे पर्यावरण और मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है। तो आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ से सेकंड वाला राइट हो जाएगा। तो केवल तर्क आपका सेकंड सशक्त है। तो जिनका भी निर्णय जो है, जिन्होंने डिसीजन लिया है कि सर सेकंड वाला राइट होगा, ठीक है, उन सभी का बहुत बढ़िया है, बाकी लोग ध्यान देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज मैंने इस पेपर के 50 आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। कल हम जब ये इस क्लास को प्रोवाइड कराएंगे दोबारा, तो इसके आगे के 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन मैं कल इस क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, आज का टारगेट रखते हैं यहाँ पर करीब 500 से 1000 लाइक का। पता है तो दोस्तों आप लोग नहीं करेंगे, फिर भी दोस्तों कोशिश करिएगा, आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तब तक लिए दोस्तों नमस्कार।